तो हेलो दोस्तों, तो लेकर आ गया आप लोगों के लिए एक नई धमाकेदार वीडियो। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, इस वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग। अरे सर, काफी दूर आ गए हम लोग, आपने बताया नहीं कहाँ जाना है। बस यहीं ग्रेवयार्ड की तरफ ले लो। ठीक है सर, ले चलता हूँ आपको ग्रेवयार्ड की तरफ। क्या आपकी और डेथ हुई है यहाँ पर? वही समझ लो मेरे भाई, बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ, अब तुम्हें क्या बताऊँ, यहीं पर आना था मुझे। अरे सर, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ होगा भी कैसे, क्योंकि उसे मरे काफी समय हो गया है, वो काफी खास था मेरे लिए, मेरे अपनों से बढ़कर। अरे सर, लेकिन अब यहाँ क्या करोगे आप? मुझे मेरा किराया दे दीजिए, मैं चले जाता हूँ यहाँ से। अरे हाँ भाई, लेकिन मेरा एक काम कर दोगे क्या? हाँ सर, कर देंगे, लेकिन जल्दी से किराया दे दीजिए, मुझे डर लगता है यहाँ पर। अरे डरो मत मेरे भाई, मैंने तुम्हें फूल दिए थे ना, जाओ अंदर चढ़ा दो इसे, क्योंकि मैंने बहुत पाप किए हैं और मैं इस काबिल नहीं हूँ कि उसकी इस महान ग्रह पर मैं उन्हें चढ़ाऊँ, इसलिए तुम चढ़ा दो। ठीक है सर, चढ़ा देता हूँ। सर चढ़ा दिया मैंने। ओम भीम क्लीम जुंडाय नमः। अरे क्या है सर, पर मुझे चाहिए सर। आओ आओ मेरे भाई आओ। मुझे पता था तुम आओगे क्रोनो मुझे बचा दे। उस कोपरे ने मुझे खत्म कर दिया था, लेकिन उसे पता नहीं क्या अभी तक हम जिंदा है, और तुमने मुझे एक और चांस देकर बहुत अच्छा किया है। अब होगा बोया का कमबैक। सही कहा, अब होगा तांडव नाच। कमिश्नर ने मुझे फोन किया था कि कोई नई समस्या आन पड़ी है इस बरमूडा में। अरे क्या कर रहे हो कोबरा तुम, खाना नहीं खाना है क्या तुमने? अरे नितिका, हाँ हाँ, खाना क्यों नहीं है, खाना तो खाना है, तुमने बनाया है क्या कुछ अच्छा सा? अरे बनाते ही रहती हूँ, तुम्हें खिलाते रहती हूँ, जल्दी चलो अब खाना खाओ। पता नहीं क्या करते रहते हो, पता नहीं है, मुझे काम पर भी जाना है, मेरी सहेलियाँ वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ। अरे यार, मैं भी कैसा हीरो हूँ, मुझसे दुश्मन डरते हैं और मैं यहाँ अपनी बीबी से डर कर बैठा हूँ, क्या होगा मेरा, बीबियाँ ही घर की असली राजा होती है मेरे हिसाब से, तो अब क्या कर सकते हैं इनके बारे में। अरे वो रही कमिश्नर की गाड़ी, लगता है वो भी आ गया, चलो पहले उन्हीं से ही मिल लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कुछ जरूरी काम है, पता नहीं अब क्या समस्या आन पड़ी होगी इस बरमूडा में। अरे कमिश्नर सर, आ जाइए अंदर आ जाइए। अरे कोबरा सर आता हूँ, रुकिए। हाँ कोबरा सर, आपको एक बात बतानी थी कोबरा सर। अरे अंदर आकर बताओ ना कमिश्नर, क्या बात है, बाहर ही करोगे क्या सारी बातें, आ जाओ अंदर। आ रहे हैं सर, आ रहे हैं सर। हाँ हाँ बताओ क्या बात है। आप बोया के बारे में जानते हैं क्या? अरे हाँ, वो भी मेरी तरह ही सुपर हीरो था। सर वो था नहीं, वो है, वो फिर से आ गया है हमारे इलाके में सर, मुझे खबर मिली है, हमारे ड्रोन्स होते हैं ना, उसमें उसकी फोटो देखी गई है। क्या वो फिर से जीवित हो गया, मतलब फिर से तबाही? लेकिन वो पहले ऐसा नहीं था, पहले वो मेरी तरह ही एक भोला वाला इंसान था। अरे अबू भाई, शुक्र है तुमसे मैंने स्टीयरिंग ले लिया, क्योंकि तुम्हें तो गाड़ी इतनी फास्ट चलाते हो ना कि मार ही डालोगे एक न एक दिन। अबे हाँ हाँ, जैसे तुझे बड़ी आती है चलाने, वैसे भी तू नया नया ड्राइवर बना है, इसलिए आराम से चलाइयो, ठीक है ना? हाँ आराम से चला रहा हूँ, लेकिन ये हाईवे आया है, यहाँ थोड़ी दौड़ाऊँ क्या? अबे हाँ हाँ, भगा ले भगा ले, वैसे भी तुझे पता है ना तू किसके साथ बैठा है। ठीक है, को लगा कि वो हमारा अंतिम दिन था, लेकिन उसी दिन के बाद ही हमारी शुरुआत हुई, और अगले दिन हम जीवित बच गए। हमें बचाने वाला एक साइंटिस्ट था जिसने हम पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। उड़ी बाबा, हमारा एक्सपेरिमेंट सफल हुआ, सफल हुआ, हमारे बरसों की मेहनत आखिरकार रंग ले रही है, और हमें इसे इस्तेमाल करने के लिए दो बॉडीज भी मिल गई थी। अब मैं बनूंगा इस सदी का सबसे महान साइंटिस्ट, एक में तो इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया है, आप इसी में ही कर देता हूँ, ताकि मेरे सुपर हीरो दोनों रेडी हो जाएंगे, और मैं दूंगा इस बरमूडा को उसके नए सुपर हीरो, जिससे ये दुनिया मुझे सदियों तक याद रखेगी, और मेरा नाम बजेगा
मैं हूँ इस सदी का महान साइंटिस्ट, अब जनरेट करता हूँ यहाँ पर, ये लो। अरे ये कहाँ आ गए हम लोग? अरे अरे तुम कौन हो? अबे तुम कौन हो बे? अरे मैं हूँ भाई अबू हूँ मैं, पहचाना नहीं। और ये हम कहाँ आ गए, कहाँ पर आए हैं? उड़ी बाबा डरो मत, बड़ो मत, तुम हमारी लैब में हो, हमने तुम्हें बचा लिया है बाबा, तुम डरो मत। लेकिन ये मुझे क्या हो गया? मेरा रंग और रूप चेंज हो गया, ये क्या हुआ है मेरे साथ? क्या क्या है तुमने हमारे साथ, क्या किया है? अरे और तुम अब तो किसी शक्ल से नहीं लग रहे हो, ये कैसा कैसी ड्रेस डाली है वे तुमने? तुम तो दिख ही नहीं रहे हो मेरे को। और रोकी मेरे भाई तू ही है नहीं, ये तू भी पहचाना नहीं जा रहा है मेरे भाई। अरे भाई क्या कर दिया साइंटिस्ट? अरे बंदो हमने तुम्हें बनाया है, या तो शुक्र करो कि तुम बच गए, नहीं तो तुम तो मर जाते। और अब से तुम्हारा नाम होगा कोबरा और तुम्हारा बोया, और तुम हो गए आज से इस दुनिया के नए रक्षक। तुम्हें मैंने बुलाया है और तुम्हारा काम होगा इस दुनिया की रक्षा करना और मेरी आज्ञा को मानना। अरे क्यों बनाया हम लोगों को, इससे अच्छे मर नहीं जाने देते यार, क्या बना दिया है भाई, ये गलत किया है इसने। सही कह रहे हो भाई, लेकिन अब कर भी कह सकते हैं, अब हम पर जिम्मेवारी आ गई है कि हम इन शक्तियों का सदुपयोग करें। अरे ये कहाँ भेज दिया उस साइंटिस्ट ने भाई हमें? जरूर यहाँ कोई ना कोई तबाही हो रही होगी मेरे भाई, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। और ये देखो किसने यहाँ पर हमला किया है, कौन होगा वो? लेकिन जो कोई भी है हमें उसे मारना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे इस बिड़मूड़ा के लिए सुरक्षित नहीं है। सही कह रहे हो भाई तुम, भाई मैं यहाँ देखता हूँ, तुम दूसरी तरफ जाकर देखो। सही कह रहे हो भाई, ठीक है, क्योंकि नई शक्तियों के साथ नई जिम्मेवारी भी आती है। और घर जाकर भी देख लो भाई, हमारे परिवार वाले हमारी राह देख रहे होंगे यार। ठीक है भाई जाता हूँ। मैं उस आदमी को ढूंढता हूँ जो ये तबाही कर रही है, पता नहीं क्या हो रहा है इस प्रमुड़ा में। आखिरकार यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है, कहाँ होगा वो? अबे सामने आओ वे, अगर कोई है जो यहाँ तबाही कर रहा है, कौन है वे? सामने आओ, हम यहाँ के नए सुपर हीरो बोया, सामने आओ हमारे। मुझे पुकार रहे हो तुम? मुझे बुलाया, बोलो क्या बात है? अरे तुम कौन हो और तुम क्यों तबाही कर रहे हो ब्रह्मुड़ा में, आखिरकार चाहते क्या हो तुम? तुम्हें पता नहीं किस दुनिया में कुछ अपना नहीं, सब टर्परेरी है, लेकिन मैं इस दुनिया को परमानेंट कर दूंगा, तुम्हारी सपनों की दुनिया बना दूंगा मैं इस दुनिया को, जिसमें तुम्हें हमेशा खुशियाँ दिखेंगी, इसलिए मिल जाओ मेरे साथ। इस तरह उस साइंटिस्ट ने उस बोया को अपने जाल में फंसा लिया, और बोया भी उसके कहने पर चल पड़ा। तभी से ही ये सब कुछ सिलसिला चली हुआ था, लेकिन मैंने उसे मारकर ये सिलसिला ख़त्म कर दिया था, लेकिन उस साइंटिस्ट ने फिर से उसे जिंदा कर दिया। ये अच्छा नहीं हुआ कमिश्नर, अच्छा नहीं हुआ। अरे कोबरा तुमने खाना नहीं खाना क्या? अरे भैया नमस्कार, आप भी खाना खा लीजिए चलिए। अरे नहीं बाबे जी, मुझे जल्दी जाना है यार। ठीक है धन्यवाद आपका, मैं जा रहा हूँ। अरे कोबरा तुम खा लो खाना यार। अरे हाँ हाँ नितिका खा लूंगा मैं। ठीक है कमिश्नर सर, आप आराम से जाइए। अरे यार तुम खाना क्यों नहीं खाते हो टाइम से, तुम्हें पता नहीं है क्या मुझे अपनी सहेली के साथ घूमने जाना है? यार तुम ना देश की रक्षा करते रहो, मेरी बातें मत माना करो। अरे हाँ हाँ मेरी माँ, हाँ हाँ चलो खा लेता हूँ तुम्हारा खाना, नहीं तो तुमने इतने ताने मार दिया है मेरा पेट तो वैसे ही भर गया है। मुझे साइंटिस्ट सर को ये सारी जानकारी देनी पड़ेगी कि बोया फिर से आ चुका है। अरे साइंटिस्ट सर, अरे सर। अरे कोबरा बाबू यहाँ कैसे आने हुआ, बताओ बताओ, बरसों बाद आए हो अपने यहाँ। अरे आपकी वजह से ही तो हम बने हैं, आपको कैसे भूल सकते हैं। आपको बस ये बताना था कि बोया फिर से जिंदा हो चुका है। अरे क्यों,
वो फिर से जिंदा हो चुका है। ये तो बहुत बुरा हुआ, उसे पहले भी उसको रोनो ने भड़का लिया था, अब वो फिर से ही उसके ही रास्ते पर चलेगा। तुम्हें ही कुछ करना होगा कोबरा। हाँ सर, मैं कर लूँगा, लेकिन नाव पर भी खतरा हो सकता है, इसलिए अपना ध्यान रखिए। उस बोया को तो मैं देख लूँगा, भले ही वो मेरा भाई है, लेकिन जो बुराई का साथ देगा उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या हो रहा है बे, तुम क्या कर लिए बे क्रोनो? तुम्हें पैसा दिया था हमने काम करने के लिए और हमारा काम नहीं हुआ। हमने बोला था कि वहाँ तबाही करनी है, उस मोल को उठा देना, लेकिन किसी ने उठाया नहीं है उस मोल को। कब उठाएगा बे? हो जाएगा तुम्हारा काम बहुत जल्दी। बड़े आका को बोल देना कि कुछ बड़ा करने की आस में है हम, वो चिंता मत करे, उनका मिशन जरूर हम पूरा करेंगे। जल्दी कर लो बे जल्दी। अरे ये बात कहाँ चली है? क्या पूरा करने की बात हो रही है अबे तुम दोनों में? अबे तुम कोबला, तुम यहाँ क्या कर लिए? अबे कोबला, अबे अबे मारो इस कोबला को। अबे तोतले चुप हो जा, मारने आया हूँ मरने नहीं। अरे कोबरा, तुम जितनी भी कोशिश कर लो लेकिन हमारा प्लान फेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम कुछ बड़ा करने में हैं। अरे कोबला, तू तो मेरे हाथों से जाएगा बे। तोतला किसको बोला तूने? तोतला किसको बोला? तू तो मलेगा मेरे हाथों से। गया बे तोतले, गया तू कोबले, गया मेरे हाथों से। बढ़ाया था मुझे मरने वाला। इसे पता नहीं कि कोबरा को कोई गोली या कोई अस्त्र नहीं मार पाएगा। और अब तेरी बारी है साइंटिस्ट, तूने पहले मुझसे मेरा दोस्त छीना और अब उसे फिर से जिंदा कर फिर से मुझसे हाथों मरवाना चाहता है, इसलिए मर मेरे हाथों से। तेरा तो खात्मा हो गया, लेकिन अभी मुझे बोया को भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो है ये फ्री फायर सुरक्षित नहीं। अबे क्या बोल रही है तू? तू मुझसे प्यार करती है? बहुत लड़कियां प्यार करती है मुझसे, तो मैं क्या सभी से मिलता चलूं क्या? तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। चुप रे बे, चुप चुप। अबे तुझे क्या काम है बोल। अरे सुनो सुनो बे बोया, तुम्हें हमारा मिशन तो याद है ना? बड़े आका ने कहा है कि क्रोनो के मरने के बाद उसकी सारी जिम्मेवारी अब तुम्हें सौंप दी जाए। क्रोनो मर गया? उसे किसने मारा फिर? तुम्हारा ही दोस्त कोबरा ने। कोबरा कोबरा कोबरा, मरेगा वो मेरे हाथों से। अब होगा हमारा ही दोस्त। अबे साइंटिस्ट, अब चल तू मेरे साथ, तेरे से एक मुझे काम है, जल्दी करो वे। साइंटिस्ट, मुझे एक और आदमी चाहिए जो मेरी तरह हो, शक्तिशाली हो, तभी हम कोबरा को खत्म कर सकते हैं मिलकर। अकेले मेरे बस की बात नहीं है, जल्दी मेरे तरह एक और क्रिएट करो वे। कब कितना टाइम लगेगा? अरे बाबू मौसा है, बस रुक जाइए, ये ले। अबे क्या हो रहा बे? अरे बहुत बढ़िया साइंटिस्ट, आओ मेरे भाई आओ, आज से तुम्हारा नाम गामा होगा गामा, क्योंकि तुम्हारे आने से हम लोग मचाएंगे हंगामा। सही कह रहे हो मेरे भाई, तुम मैं हूँ गामा और मचा दूंगा हंगामा। मुझे बस इतना कहो कि मुझे करना क्या है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अब हम दोनों मिलकर कोबरा का खात्मा करेंगे। अबे रमेश, तू इधर लेटो हुआ बे? अबे तुझसे एक जानकारी चाहिए, उठ बे रमेश उठ। अरे अरे सर, क्या जानकारी चाहिए? मैंने क्या बिगाड़ा है ना आपका? मुझे अबे रमेश, मुझे बता वो साइंटिस्ट को कहाँ लेकर गया होगा वो अल्फा? जल्दी बता, वो ले गया है उसे कहीं, मुझे पता करना है वो कहाँ है, बताओ बे। और ये कौन आया है? क्या हुआ कमिश्नर, बताया इसने अभी तक की नहीं? अरे कोबरा, अभी तक इसने कुछ नहीं बताया है, बताओ बे रमेश कहाँ लेकर गए है वो साइंटिस्ट? तुम चिंता मत करो कमिश्नर, अब इसे मेरे हवाले छोड़ दो, मैं उगलवाता हूँ इससे। बोल दो रमेश, नहीं तो कोबरा मार डालेगा तुम्हें। रमेश, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक कि तुम बता दो
कि वो कहाँ लेकर गया है, और दूसरा मरो मेरे हाथों से। अरे नहीं कोबरा भाई, मैं बता देता हूँ, वो पास में ही उस साइंटिस्ट की लैब थी ना, तो उसे वहीं लेकर गए हैं। अरे कोबरा, ये तो उसी साइंटिस्ट की लैब, मैं उसे बंदी बना कर रखा है, जाओ पता नहीं क्या हो रहा है उधर। आप कमिश्नर डरिए मत, अब आगे का काम मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा उन्हें। अब मुझे जाने दो ना कमिश्नर सर। ये कोबरा भी ना पता नहीं कहाँ चला गया है, कब से उसका इंतजार कर रही हूँ, यहाँ काम करके थक गई हूँ। मामा जी भी आने वाले हैं कुछ ही देर में हमारे घर, उसे पत बताया तो अभी तक आया नहीं है, पता नहीं कब आएगा। हाँ पहुँच गया। अरे नितिका, तुम इतना काम क्यों कर रही हो आज, कोई मेहमान आने वाला है क्या? अरे तुम फिर से भूल गए कोबरा यार, तुम्हें बताया तो था मामा जी आने वाले हैं। अरे माफ कर दो यार, वो दरअसल दिमाग से निकल गया था। अरे और मुकुल मर रहा है, बाहर जाकर देखो, आ तो नहीं गए कि वो। अरे इतनी जल्दी, रुको मैं देखता हूँ। अरे यार इसका मामा भी आ गया, ये कम थी जब इसका मामा भी आ गया। अरे बाबू कहाँ था तुम, अभी तक आए नहीं, स्वागत नहीं करोगे क्या हमारा? अरे प्रणाम मामा जी, आइए अंदर आइए। अबे कैसा दूल्हा ढूंढा है तुमने नितिका, हमें प्रणाम ही नहीं किया, कैसा कर रहे हो? अरे मामा जी माफ कर दीजिए, इसे माफ कर दीजिए। अरे कोबरा तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया? अरे लेकिन मैंने तो किया था ना मामा जी आपको अभी। हाँ हाँ चल रहने दे चलो। अरे नितिका और सुनाओ, सब ठीक है क्या? और कोबरा तुम भी ठीक हो क्या? अरे हाँ मामा जी, बस आपका आशीर्वाद है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और नितिका भी। अरे नितिका, मामा जी के लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो। रुको मैं लाती हूँ। अरे मामा जी, अब आपको कैसे बताऊँ, आपकी भांजी इतनी अच्छी है ना, ये मेरा अच्छे से ध्यान रखती है, मुझे एक आँच नहीं आने देती। लेकिन मैंने अपनी बहनों से सुना है कि तुम उसका ख्याल नहीं रखते हो कोबरा। अरे नहीं मामा जी, मैं अच्छे से रखता हूँ। अरे मामा जी मैंने ऊपर ही रख दिया आपके लिए चाय पानी, ऊपर आप कमरे से आराम में बैठ कर चाय पानी कीजिए, और वही टीवी लगा दिया है, वहाँ आराम से बैठिए। अबे ठीक है, ऊपर बैठता हूँ मैं। अरे नितिका तुम्हारे मामा भी कैसे है यार, आज तो ये मेरी क्लास ही ले लेते हैं। अरे जल्दी दुकान जाओ, कुछ लेकर आओ खाने के लिए, अभी घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है, जल्दी जाओ ना कोबरा। अरे हाँ जाता हूँ मैं। अरे जल्दी आ जाना, पता नहीं अब कहाँ फिर से गायब हो जाएगा, इसको जब भी भेजती हूँ दुकान को तो लेट ही आता है। गामा, अब हमारा एक ही मकसद है, उस कोबरा को खत्म करना। सही कह रहे हो भाई, लेकिन मैंने सुना है कि कोबरा पर किसी भी चीज का असर नहीं होता, वो इम्यून है वेपन से। इसलिए तो मैंने अंतरिक्ष से ये खास तरह के वेपन्स मंगाए हैं, जो कि खास धातु से बने हैं, जो कि कोबरा पर असर करते हैं। बहुत खूब मेरे भाई, बहुत खूब, जाओ देख लो अपने लिए कोई बढ़िया सा। हाँ मेरे भाई, अब तो कोबरा नहीं बचेगा हमारे हाथों से। देखा वे कोई अच्छा सा? अरे हाँ भाई, ये देखो ले आया मैं, इसी से ही कोबरा की खोपड़ी उड़ाऊंगा। लैब तो पहुंच गया मैं, लेकिन यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, लगता है मुझे काफी देर हो चुकी है। मुझे अपनी शक्ति से आभास हो रहा है कि कुछ समय पहले यहाँ कोई ना कोई था, और ये शक्ति मुझे बोया की ही लग रही है। कहाँ गए होंगे लेकिन वो साइंटिस्ट को लेकर, उनका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, उन्होंने ही हमें बनाया था, और बोया उन्हें किडनैप कर ले गया है। बहुत गलत कर रहे हो बोया तुम, लेकिन तुम बचोगे नहीं मेरे हाथों से, तुम जहाँ कहो भी जाओगे वहाँ कोबरा को पाओगे, क्योंकि मैं इस फ्री फायर का रक्षक हूँ, और मेरा कर्तव्य है कि मैं इस फ्री फायर की रक्षा करूँ। गामो को मैंने उसके काम पर भेज दिया है, लेकिन अभी तक आया नहीं वो, कब तक आएगा वो स्ट्रीट फाइटर? अबे तुम पहुँच गए ना साइंटिस्ट, क्यों भागते भागते आ रहे हो मेरे पास? अरे बचा लो बाबू मोशाय, मुझे इससे बचा लो। अरे सब देखो ना, सारा बहुत टकरा है साइंटिस्ट, एक दो लाफे मारे तब दिमाग ठिकाने में आया इसका। आराम से स्ट्रीट फाइटर आराम से, क्योंकि अभी तो हम लैब से आ गए हैं टाइम से, मुझे आभास हो रहा था कि कोबरा वहाँ आएगा, लेकिन
कुछ देर बाद हमें फिर से वही लैब में जाना पड़ेगा क्योंकि हमें और वेरिएंट बनाने हैं अपने जैसे, समझ गए क्या? सही कह रहे हो साहब, जैसा आप कहें। अरे बाबू मशाई, लेकिन इसमें तो बहुत समय लगेगा। हाँ समय लगेगा, तो तुम्हें अपने साथ ही रखेंगे ना, अब स्ट्रीट फाइटर अपने साथ रखना। मुझे जाने दो ना बाबा मोशाय, वैसे भी तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये बहुत गलत है, कम से कम भगवान से तो डरो। अबे चुप रे वे चुप, अबे स्ट्रीट फाइटर इसको गाड़ी में डालो और घुमाओ, चक्कर लगाओ शहर के, तब तक वो कोबरा यहाँ लैब से निकल जाएगा। अबे साइंटिस्ट बैठ गाड़ी में, जल्दी बैठ, जल्दी निकलो बे यहाँ से स्ट्रीट फाइटर, हम भी जा रहे हैं। हमने वहाँ गामा को काम सौंपा था, शायद वो कर आया होगा, उसको ही देखने जा रहे हैं, ठीक है ना? मैंने कहा जनाब आप जाइए, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। चलो अब चलता हूँ, कुछ ही देर में गामा भी उस कोबरा की वो सम्मानत को लेकर मेरे पास आ चुका होगा, अब देखता हूँ कोबरा क्या उखाड़ेगा हमारा। इस फ्री फायर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वो बोया और साइंटिस्ट कहीं नहीं मिले, अब कमिश्नर सर ही मेरी मदद कर सकते हैं। अरे कोबरा भाई तुम यहाँ? हाँ सर, आपसे एक मदद चाहिए मुझे। बोलो। क्या आप साइंटिस्ट और उस बोया का पता लगा सकते हैं क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं लगा सकते हैं भाई, लगा सकते हैं। वैसे भी मुझे कुछ नॉलेज मिली है, मेरे सिपाही बता रहे थे कि एक गाड़ी है उसमें साइंटिस्ट की तरह दिखा तो था मैं सीसीटीवी में, शायद वही है, तो उसके वो घूम रही है पूरे शहर में, उसमें हो सकता है साइंटिस्ट। हाँ सर वही वही मैं सोचूं, उसे लेकर छुपा कहाँ सकते हैं, घुमा ही रहे होंगे साले, उन्हें छोड़ूंगा नहीं लेकिन मैं। चलो कोबरा सर आप आओ, मैं गाड़ी से चलता हूँ। हाँ हाँ आप मुझे उसकी लाइव लोकेशन भेज देना। अरे यार ये कोबरा ना पता नहीं कहाँ चला गया है, अब घर का काम फिर से मुझे सफाई करनी पड़ेगी, एक तो मामा जी आए हुए हैं और उनका भी सब कुछ देखना पड़ रहा है मुझे। अभी बेड साफ कर देती हूँ यार जल्दी से जल्दी, बहुत गंदा लग रहा है यार। अरे यार। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हूँ गामा, जो कि मचाते हंगामा। तू ही है ना उस कोबरा की बीबी? हाँ मैं ही हूँ, कृपया करके मेरे कोबरा को छोड़ देना, मुझे जो भी करो। तुझे ही तो लेने आया हूँ मैं, बस अभी तेरा कोबरा को तो हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि कोबरा की जान जो हमारे पास है। छोड़ दो मुझे, चल मेरे साथ, छोड़ दो, चल, छोड़ दो। हे नागराज मुझे आपकी जरूरत है, कृपया प्रकट होइए, आपके शिष्य को आपकी जरूरत है, सामने आइए नागराज, मैं आपका आह्वान करता हूँ। पुत्र बोलो क्या हुआ, आखिरकार क्यों तुम मुझे पुकार रहे हो? प्रणाम नागराज, मुझे आपकी मदद चाहिए, आप तो जानते ही होंगे, आप तो सर्व ज्ञाता है, तो आपको ये भी मालूम होगा कि बोया ने अपनी शक्तियाँ बढ़ा ली है और मेरे पास कोई तरीका नहीं, इसलिए कृपया कर मुझे अपनी शक्तियाँ प्रदान कीजिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए मेरे प्रभु। पुत्र जाओ मैं तुम्हें शक्तियाँ देता हूँ, लेकिन ये शक्तियाँ कुछ ही टाइम के लिए होगी, अगर तुम्हें और शक्तियाँ चाहिए तो तुम्हें नागलोक जाना पड़ेगा और वहाँ ही तुम्हें असीम शक्तियाँ मिलेंगी। इतना समय काफ़ी है माँ नागराज, इतने समय में मैं उस बोया और उसके साथ साथ उसके काले साम्राज्य का नाश भी कर दूंगा, बस अब आप अपना आशीर्वाद दीजिए। जाओ पुत्र जाओ, तथास्तु। जय हो नागराज की, अब मैं उस बोया को नहीं छोड़ूंगा, नागराज की दी हुई शक्तियों की बदौलत मैं अब उस बोया को हरा दूंगा। मुझे छोड़ दो भगवान के लिए। हा, 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 हा। बहुत अच्छे मेरे भाई गामा, बहुत अच्छे, आखिरकार तू इस लोंडिया को पकड़ के ले आया, अब वो कोबरा भी हमारे इलाके में आएगा और जब वो आएगा ना तो उसके लिए जाल बिछा कर रखूंगा मैं, समझ गया क्या? सही कह रहे हो मेरे भाई तुम, आने दो उस कोबरा को, वो जितना हमारे नजदीक आएगा उतना ही हमारे जाल में फंसता जाएगा। ये मेरा इलाका है, मैं हूँ यहाँ का राजा, और वो कोबरा हमसे शारी दिखा रहा है,
बड़ा दोस्त बनता था मेरा, लेकिन आज देखो आज सबसे बड़ा दुश्मन वो ही है मेरा, मेरे और मेरे सक्सेस के बीच आ रहा है, और जो भी हमारे बीच में आएगा उसे मैं काट डालूंगा। अबे गामा तू उसका ध्यान रख, मुझे कहीं जाना है, मुझे एक मीटिंग में जाना है, और वहां जाकर मैं और शक्तियां हासिल करूंगा, क्योंकि ये कोबरा को हराना इतना आसान नहीं है। जैसा तुम कहो मेरे भाई, इस लौंडिया को मेरे हवाले छोड़ दो, बेझिझक होकर जाओ और शक्तिशाली बन जाओ। ठीक है मेरे भाई गामा, मैं जा रहा हूँ। अगर ज्यादा फड़फड़ करेगी ना लौंडिया तो उसे वहीं पर मार देना, समझ गया क्या तुम? मार देना इसे। छोड़ेंगे नहीं, आने तो जो भी आएगा। अरे मैं घर तो आ गया, लेकिन मुझे कुछ गलत आभास हो रहा है। अरे ये देखो मामा जी तो सोए पड़े हैं, इनका भी ना। अरे मामा जी। अरे बेटा कोबरा तुम? अरे हाँ मामा जी मैं यहाँ, लेकिन ये बताइए कि नितिका कहाँ पर है? अरे बेटा इधर ही थी, बाहर देखो पता नहीं कहाँ है, इधर ही तो थी। अरे मामा जी आप भी ना। मैं ढूंढता हूँ रुको। अब ये कहाँ गई होगी, कहीं उस पर भी कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? मुझे लगता कुछ यूं ही रहा है, लेकिन जिसने भी ये काम किया है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा मैं, जान से। आखिरकार मैं बरबूढ़ा पहुंच गया हूँ, यहीं कहीं है वो स्कॉर्पियो, बुलाया तो मुझे यहीं था उसने, पता नहीं कहाँ पर है। अरे कहाँ होगा अभी ये, इस डैम के पास क्यों बुलाया है मुझे? अरे वो रहा स्कॉर्पियो मेरे भाई, क्या हो रहा है वेदर? देख तेरा भाई आ गया है। आ जाओ मेरे भाई, तुम्हारा इंतजार कर रहा था तुम्हारा ये तो स्कॉर्पियो। नमस्कार स्कॉर्पियो मेरे भाई, यार तुमसे एक मदद चाहिए, मुझे शक्ति हासिल करनी है ताकि मैं उस कोबरा को खत्म कर सकूं। बताओ मुझे वो कहां से होगी? बेझिझक करूंगा मेरे भाई, क्योंकि इस बुराई के साम्राज्य में तुम भी मेरे साथी हो, तुम्हें शक्तियां उस कोबरा को मार कर ही मिलेगी, उसे मार कर मेरे पास ले आओ, फिर देखो मैं उसके सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर समा दूंगा। इसके लिए तुम्हें उसे मारना होगा, और मैं तुम्हें एक मोहरा भी ला कर दूंगा जो कि इसमें तुम्हारी मदद करेगा। अच्छा मेरे भाई, आएगा कब वो तुम्हारा मोहरा? अरे यार कोबरा ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया होगा पता नहीं, और अभी तक वो आया भी नहीं है, मुझे और भी काम होते हैं, कोबरा को कौन बताया अब यार, अब पता नहीं कब आएगा, बहुत देर हो गई है, ऐसा करता हूँ यहाँ से निकल जाता हूँ, कोबरा आ जाएगा बाद में कभी ना कभी तो। अरे पहुँच गया, माफ कीजिए कमिश्नर सर, कुछ चिंता ही ज्यादा है, आपको ज्यादा देर इंतजार करवाना पड़ा, लेकिन आपसे मुझे एक और चीज की जानकारी चाहिए। हाँ बोलो बोलो, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ भाई उसी के लिए तो, बताओ क्या? कमिश्नर सर मुझे ना ही मेरी पत्नी नितिका मिली है, और ना ही आपने कुछ खबर दी है कि वो साइंटिस्ट कहाँ पर है जिसने हमें बनाया था। अरे कोबरा मेरे भाई, मुझे साइंटिस्ट का पता लग गया है, लेकिन तुम्हारी पत्नी का कोई पता नहीं लगा अभी तक, और वो साइंटिस्ट ना उसे मैंने देखा है, हमारे सीसीटीवी में देखा था, वो उसे लेकर जा रहा है, एक आदमी है वो गाड़ी में लेकर जा रहा है, उसका नंबर है HP008 है। ठीक है कमिश्नर सर, अब आप चिंता मत कीजिए, उसे मुझ पर छोड़ दीजिए, आप बस अब नितिका को ढूंढिए, उसे तो मैं छुड़ा लूँगा, क्योंकि मेरा काम ही है रक्षा करना। अरे कब आएगा वे तुम्हारा वो जो तुम्हें मुझे अपने साथी से मिलाने वाले हो? हाँ स्कॉर्पियो भाई। मेरे भाई बोया तुम डरो मत, तुम्हें पता ही होगा कि इंतजार का फल मीठा ही होता है मेरे भाई। सही कह रहे हो भाई, लेकिन जब तक आएगा नहीं पता कैसे लगेगा कि इंतजार का फल मीठा होता है या कड़वा, अभी तक तुम्हारा कोई साथी आया नहीं है। अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या आ गया, वे भूत है क्या? यही है, आओ आओ मेरे शिष्य। अभी ये तो जादूगर है भाई। प्रणाम मेरे आका, प्रणाम।
अरे ये तो शक्तिशाली लग रहा है। ये है चलावों की दुनिया का राजा, इसे ले जाओ, ये चलावे में माहिर है, यही कोबरा को हराने में तुम्हारी मदद करेगा। कमिश्नर सर ने इसी रास्ते का पता दिया था, आते ही होंगे वो दोनों साइंटिस्ट को लेकर। ये रही गाड़ी, नंबर तो वही है। अबे रुक जाओ बे। अरे कौन है बे, मर बे, क्यों हटूंगा कैसे? मौत को मारने चला है। अरे साइंटिस्ट सर, आप बाहर आ जाइए, आप डरिए मत, आप क्योंकि मैं आ चुका हूँ ना, तो डरने की कोई बात नहीं। अरे डरेगा क्यों नहीं, मैं हूँ ना, देख रहा है आज मैं गन है मेरे उड़ा डालूंगा बे। बाबा मशाल बचा लीजिए। तो मर मेरे हाथों से, क्योंकि गन मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। तू देखना ही चाहता है ना इस कोबरा की शक्ति, तो अब दिखाता हूँ मैं मेरी बाजुओं में कितना दम है। मुझे तो मार दोगे, लेकिन मेरा 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 का तुम्हें नहीं छोड़ेगा, बोया नहीं छोड़ेगा तुम्हें। जैसे तुझे मारा है वैसे ही तेरे आका को भी मार दूंगा। बाबा मोशाय नितिका को बचा लो, मैंने देखा था उसकी उसे बोया ने बंदी बना लिया है। क्या आपने देखा है साइंटिस्ट उन्हें? तो बताइए मुझे कहाँ ले गए हैं वो? बाबा मोशाय वो पुरानी हवेली में ले गए है। आप जाइए, उन्हें मैं देख लूंगा। उन्हें लगा कि वो मेरी नितिका को मुझसे छीन लेंगे, नहीं आ रहा हूँ मैं। गामा अपना वक्त गिनना शुरू कर दे, क्योंकि जब मेरा कोबरा आ जाएगा ना, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा। चुप कर बे चमक चलो, तू गामा को डराने चली है? तू जानता नहीं गामा से अच्छे अच्छे काम जाते हैं, तो वो तेरा कोबरा क्या है? ओह तो तू मुझे मारना चाहता है, लेकिन तू शायद जानता नहीं कि कोबरा ऐसी आंधी है जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। अरे कोबरा, तुम आ गए कोबरा? हाँ नितिका, हाँ मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ साइड में खड़े हो जाओ। चलो कोबरा मुझे बचा लो। हाँ नितिका, हाँ अबे ओ गामा, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अबे चुप कर बे कोबरा, चुप कर, तू मुझे मारेगा। तुझे लगता है तू गामा को आसानी से मार देगा, लेकिन अब तू मेरी गोलियों से नहीं बचेगा। खास तेरे लिए तैयार की है ये गोलियां मैंने। यो ये बात है, लेकिन तू ये नहीं जानता कि कोबरा पहले से भी शक्तिशाली हो चुका है, तेरी ये गोली भी कोबरा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो ये बात है तो फिर मर बे, ये ले। अरे नितिका ये क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? मेरा काम हो गया, मैं तो चला। कोबरा हमारा सफर यहीं तक था कोबरा। नहीं नितिका ऐसा मत कहो, मुझे माफ कर देना कोबरा। नहीं मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर कोबरा। मुझे मत जाओ नितिका, मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा। लेकिन लेकिन तुम्हारा ये कोबरा तुमसे वादा करता है नितिका कि जब तक तुम्हारे कातिलों को मैं मार नहीं देता ना, तब तक ये कोबरा शांत। नितिका तुमने तो जन्मों जन्म तक मेरे साथ रहने की कसमें खाई थी, भूल गई वो कसमें? क्यों नितिका, क्यों मुझे छोड़कर चली गई तुम, क्यों आखिरकार? अरे बाबू मोशाय हौसला रखिए, बाबू मोशाय हौसला रखिए। हाँ साइंटिस्ट अब हौसला ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं अपने बीबी के कातिलों को मार नहीं देता ना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरी नितिका की सौगंध मुझे, मैं उसे मारने वाले कातिलों को शमशान भी नहीं पहुंचना दूंगा, चुन चुन के मारूंगा, सभी को खात्मा कर दूंगा। क्या किया वे तुमने गामा, ये क्या किया? तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने कोबरा की पत्नी को क्यों मारा? तुमसे पकड़ कर रखने के लिए कहा था ना, और तुम्हें शायद पता नहीं है अब वो कोबरा पागल बन जाएगा, क्योंकि तुमने उसकी पत्नी को मारा है तो वो तुम्हें मारने के लिए किसी भी हद तक चले जाएगा। वे तुम्हें मरने का खौफ नहीं है क्या? गामा को मरने का खौफ नहीं हो सकता बोया, ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो, और तुमने ये नया शागिर्द लाकर एक और अच्छा काम कर दिया है मेरे लिए। ये शागिर्द लाया तो हूँ, लेकिन ये पता नहीं कब तक काम करेगा।
अरे तुम्हें याद है ना क्या काम करना है? अरे तुमने इसका हुनर तो हमें दिखाया ही नहीं कि ये हमारे किस काम आएगा आखिरकार, क्योंकि देखने से तो लगता नहीं कि इसमें कुछ खूबी भी होगी। अरे हमारी अंदर बहुत खूबियाँ है, देखोगे क्या दिखाता हूँ। अबे तो भाग कहाँ रहा है अबे नमूने? अरे भाग नहीं रहा है बे गामा, कुछ ही देर में देख क्या करता है अब ये। देखा ये आ गया हूँ मैं। अरे वाह 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 बोया, हमें तुमसे यही उम्मीद थी, तुम काम की चीज लाए हो हर बार की तरह। यूं ही तुम्हें शैतानों का बादशाह नहीं कहा जाता। सही कह रहे हो तुम गामा, सही। ये तो स्कॉर्पियो ने दिया है हमें ये सागिर्द, अब उस स्कॉर्पियो का धन्यवाद, अब कोबरा नहीं बचेगा हमारे हाथों। अरे यार देखो, यहाँ पर तो फ्री फायर में दिवाली की शुरुआत होने वाली है, क्या तैयारी की है, बहुत बढ़िया। अरे कोबरा भाई, नमस्कार कोबरा भाई, नमस्कार। नमस्कार कमिश्नर सर, मुझे आपसे एक जरूरी काम था। हाँ कहिए कोबरा भाई, देखिए ना फ्री फायर में दिवाली की तैयारी चल रही है। मैं क्या करूँगा अभी नहीं देखा, मेरे लिए तो हर दिवाली अब सुनसान ही हो गई है, क्योंकि मेरे साथ अब बनाने को कोई नहीं बचा है। मुझे आपसे जानकारी चाहिए कि मेरी बीवी को मारने वाला वो गामा मुझे कहाँ मिलेगा। अरे उसका पता तो नहीं पता है, लेकिन उस बाबू राम को ये सब कुछ पता होगा। कोबरा भाई बाबू राम के पास जाइए। अच्छा तो वो बताएगा मुझे। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो तुम गामा? अबे सबर करो सब, एक लौंडे का टपकाना है, साला हमारे खिलाफ कोर्ट में गवाही देने जा रहा है, इसी बहाने मैं तुम्हारा हुनर भी चेक कर लूंगा। यही है उस साले का घर, आ जाओ बे। अरे ये घर तो किसी बच्चे का लग रहा है बे, और अंदर भी कोई बच्चा ही लग रहा है, रुको मैं देखता हूँ। अरे ये बच्चा है क्या, इसे चेक तो पकाना है क्या? अबे साले तू देगा हमारे खिलाफ गवाही, तू देगा? हाँ मैं दूंगा, तुम क्या कर लोगे बे? तुम लोग जानते नहीं हो मैं मंत्री जी का लड़का हूँ, और तुम यहाँ तबाही कर रहे हो मेरे। अबे साले तू जिसका भी बेटा हो, लेकिन एक बार तुझे ये जान लेना चाहिए था कि गामा आखिरकार है क्या चीज। अब तो तुम मरेगा, तूने मेरा ईगो हट कर दिया अबे, अब तो तुम मरेगा। अबे गामा तू मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि तुझे शायद पता नहीं है, अगर तूने मुझे मारा तो तू जेल के अंदर होगा, ये याद रखना। अरे अरे गामा तो डर गया गामा। डरना पड़ेगा वे, क्योंकि मेरे घर में सीसीटीवी है। ठीक है जा रहा हूँ मैं, साला मुझे फंसाने की सोच रहा था। अरे गामा गलती कर दी, डर गया के वे तू? गामा डरने वालों में से नहीं, जा बे तेरा समय है, दिखा अपना हुनर इस गामा को। अच्छा ठीक है गामा, दिखाता हूँ तुम्हें अपना हुनर अभी। अबे इस गामा को मैं छोड़ूंगा नहीं, मरेगा मेरे हाथों से ये, तो देखना मेरे को कुछ किया तो। अबे तू तो गया मेरे हाथों से, देखो मैंने इसका काम तमाम कर दिया गामा, देखो बे देखो, अब तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अबे गामा देखा तुमने कैसे मारा मैंने उसको गायब होकर, ना कोई अब हमारे खिलाफ सबूत बचा है, समझ गया क्या? शाबाश शाबाश, गामा खुश हुआ तुमसे, खुश हुआ या। कमिश्नर सर ने मुझे यही का एड्रेस दिया था कि यहीं पर मिलेगा वो बाबूलाल मुझे, लेकिन अभी तक आया नहीं, मैंने उसे खबर भी भिजवा दी थी, लेकिन चलो कोई ना, मुझे लगता मैं ही जल्द आ गया हूँ, लेकिन इंतजार तो करना पड़ेगा क्योंकि इस फ्री फायर में वही है जो मुझे पता देगा। अरे कोबरा भाई तुम बहुत जल्दी आ गए। कोबरा भाई तुमने तो मुझे 5 बजे का टाइम दिया था ना। अरे हाँ बाबूलाल, अब क्या करूँ, लेकिन छोड़ो तुम ये बताओ कि कहाँ पर मिलेगा वो गामा मुझे। अरे कोबरा भाई मुझे गामा का पता है, वो ना वो पता कहाँ होगा इस वक्त,
वो शायद ओल्ड हम्पी के पास होगा, वहीं था मुझे दिख रहा। मैंने पता किया था लोंडो से, वहाँ कुछ उसकी मीटिंग चली हुई थी ना, और वहीं होगा वो। शायद अब पता नहीं उस रास्ते से आ रहा होगा, क्योंकि बोल रहा था कि 5 बजे तक मीटिंग है और 5 तो बज चुके हैं। शुक्रिया बाबूलाल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा काम इतना ही था। लेकिन उस साले गामा को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरे से मेरी बीवी ही नहीं बल्कि सबको छीन लिया है। साले को जान से मार दूंगा, उसने गलती कर दी मेरी बीवी को मारकर। उसे ऐसी मौत दूंगा ना कि उसकी रूह भी कांप उठेगी। आ रहा हूँ गामा मैं। अबे देखो बे देखो, कोबरा की फोटो लगी है यहाँ पर, लेकिन कुछ समय और फिर देखना कैसे तुम्हारे आका इस गामा की फोटो लगती है यहाँ पर। बहुत अच्छे बे गामा, तुम बोए ब्रदर की भी फोटो लगनी चाहिए। वैसे तो तुम भी अच्छे हो, लेकिन ये कोबरा, कोबरा तो बहुत फेमस है बे। क्या बोलूं, फ्री फायर में उसी की चर्चा है। काफी पुराना है ना इसीलिए। लेकिन इन सबको छोड़ो, अभी हमें कुछ जरूरी काम भी करना है, इसलिए चलो मेरे साथ। चलो बे चलो, जल्दी चलते हैं अब बोया के पास। यही वो रास्ता है जहाँ पर मुझे बाबूलाल ने कहा था, ओल्ड हम्पी। अबे वो देखो गामा, कौन है तुम्हारा दुश्मन कोबरा? आज नहीं बचेगा गामा तू मेरे हाथों से, आज नहीं। या, मार दो भी गामा इस कुत्ते को, मार दो। अच्छा हुआ जो तू मुझे यहीं मिल गया कोबरा, आज तो तुझे मैं मार ही डालूंगा। ये बात है तो फिर देखना चाहता है कोबरा की शक्ति, सामना करेगा मेरी शक्ति का तू? अबे हाँ दिखा, हम भी तो देखे कि कोबरा के कर है क्या। अबे तुमने तो इसकी बीवी को मारा था गामा। कुत्ता देखो कैसे तड़प रहा है अब, इसे गामा तुम इसे भी मार दो बे। बस बस बस, बहुत बोल लिया तुम लोगों ने जितना बोलना था, अब तुम्हारा समय आ चुका है, मरने के लिए तैयार हो जाओ मेरे हाथों से। अरे गामा खत्म कर दो बे इसको, बड़ा फड़फड़ा रहा है कुत्ता, मार दो। सही कह रहा बे तू, मरोगे तो तुम दोनों मेरे हाथों से। मर गया ना बे गामा, तुझे तो मैं पहले ही मार देता, और अब तेरी बारी है बे। अरे मुझे छोड़ दो कोबरा, बहुत बोल रहा था ना। मैं तुम मजाक कर रहा था कोबरा, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है? उसने ही तुम्हारी बीबी को मारा था, मैंने कुछ नहीं किया है। जो जो बुराई का साथ देगा उसका खात्मा मैं करूंगा, मैं यानी कि कोबरा। अब तैयार हो जा मरने के लिए बे। अच्छा तुझे लगता है तू मार पाएगा मुझे कोबरा? मैं तो मजाक कर रहा था, अब देखेगा तू मेरी पावर में क्या कर सकता हूँ। देख तो देख बे अब मेरी पावर। अबे ये कहाँ गया? ये तो बहुत फास्ट निकला, लेकिन कोई ना, इसका समय भी आएगा मेरे ही हाथों से। अभी गामा को मारा है, लेकिन ये सब कुछ उस बोया की वजह से हुआ है। उस साले को छोड़ूंगा नहीं मैं। बोया अगला नंबर तेरा है, आ रहा है ये कोबरा। क्या हो रहा बे इधर? यहाँ यहाँ 3 नंबर किसने लगाया? ये 1 नंबर होना चाहिए था, क्योंकि हम पहले नंबर पर आते हैं। अरे अरे अल्फा भाई, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। अबे क्या हुआ बे, क्या हुआ तुम्हें जादूगर? जल्दी बोलो बे छलावा, क्या हुआ? अरे भाई, तुम्हारे भाई गामो को मार दिया उस कोबरा ने, माफ कर दो, मैं उसे बचा नहीं पाया। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? तुम क्या कर रहे थे बे छलावा? तुम्हें रखा किस लिए है मैंने? तुम्हें, तुमसे वो कोबरा नहीं मारा गया क्या? साले एक काम नहीं कर पाया, तेरा भी जिंदा रहने को कोई फायदा नहीं है। साला मेरे भाई को नहीं बचा पाया, गामा को नहीं बचा पाया, लेकिन अब मैं उस कोबरा को छोड़ूंगा नहीं। उसने अब मेरे भाई पर अटैक किया है, और अब मैं जो अटैक करूंगा ना तो उसे वो मार। कहते हैं जो अच्छे काम करता है भगवान उसे स्वर्ग में जगह देता है, लेकिन मैं उसे यहाँ धरती में नरक में जगह देता हूँ।
अबे साइंटिस्ट कहाँ भाग रहा था बे तू? तुझे क्या लगा तू मेरे से अल्फा से भागकर भाग जाएगा क्या? अरे बाबू मोशाय हमें जाने दो, हमने ही तुम्हें बनाया था और तुम हमें मारने जा रहे हो, जाने दो। अबे सही कहा तुमने, मुझे बनाया ना, जाओ जाओ बे, जाओ साइंटिस्ट भाई, छोड़ दिया तुम्हें, जाओ। शुक्रिया शुक्रिया तुम्हारा। अरे ये क्या कर रही हो, आग लगा दी गाड़ी में। इसे लगा कि मैं कोई सत्यवादी हूँ जो इसे छोड़ दूंगा, मैं पापी हूँ वे पापी, क्योंकि मैं हूँ नरक का राजा। पहुंच गया अपने घर, लेकिन अब तो इस घर में जाने का भी मन नहीं करता मुझे, क्योंकि जब से मेरी नितिका मुझे छोड़ कर गई है मेरे लिए कोई घर नहीं बचा। अरे बेटा तुम आओ, कोबरा बेटा अंदर आओ ना। अरे हाँ मामा जी आया। अरे इतने दिनों बाद दिखे हो कोबरा बेटा, कहाँ होते हो तुम? माना कि नितिका हमें छोड़ कर चली गई है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि तुम घर से बाहर चले जाओ बेटा। मैं भी तो तेरा हूँ ना, मेरे पास ही आ जाए एक जगह बेटा, ऐसा मत किया करो। मुझे माफ कर दो मामा जी, लेकिन मैंने वादा किया है अपनी नितिका से कि जब तक मैं उसके कातिलों को मौत के घाट नहीं उतार देता तब तक मैं साथ नहीं बैठूंगा। और मैंने उसके कातिल गामा को तो मार दिया है मामा जी, लेकिन अभी वो बोया जिंदा है जिसका ये सभा रचा हुआ सरेंडर था। अरे बेटा छोड़ना मत उसे, उसने मेरी भांजी को मारा है, मार डाला उसे बेटा, मार डाला। हाँ मामा जी हाँ, उसे तो मैं ऐसी मौत मारूंगा ना कि नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। स्कॉर्पियो के पास पहुंचने ही वाला हूँ, इस स्कॉर्पियो को पता है कि किस तरह से कोबरा को खत्म किया जा सकता है, वो राज सिर्फ इसे ही पता है मेरे भाई स्कॉर्पियो। वाह मेरे भाई बोया, तुम्हारा इंतजार कर रहा था ये स्कॉर्पियो। अरे क्या बात है, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे भाई, तो मुझे ये बताओ कि किस तरह से मैं उस कोबरा को मार सकता हूँ, अब मुझसे और रहा नहीं जाता यार। इस पूरे फ्री फायर में एक ही चीज है जो उस कोबरा को मार सकती है, वो है जादुई तलवार जो कि तुम्हें रैंपेज के पास मिलेगी, लेकिन उस तक पहुँचना इतना आसान नहीं। इसके लिए मैं तुम्हें एक आदमी का एड्रेस देता हूँ, तुम वहाँ जाओ, मेरा नाम लेना, वो तुम्हें खुद ब खुद रैंपेज के पास ले जाएगा। ठीक है जैसा तुम कहो भाई, मैं जाता हूँ उसके पास। नाम क्या है वैसे उस आदमी का? स्टीफन है, उसे कहना कि स्कॉर्पियो ने तुम्हारा एड्रेस दिया। आखिरकार मैं पर्गेटरी में पहुंच तो गया हूँ, लेकिन अब स्टीफन का घर कौन सा होगा? अरे यही लग रहा है वो घर, घर नंबर तो यही लग रहा है मेरे को। चलो अंदर जाकर देखता हूँ और पूछता हूँ कि स्टीफन ही है कि कोई और तो नहीं है। अरे अंदर कोई है क्या? हेलो सर, अंदर कोई है क्या? अबे हाँ हाँ बोल, क्या क्या काम है बेड़ो? अरे तुम्हारा नाम स्टीफन है क्या? अबे हाँ बे बेड़ो, हाँ अंदर आ जा अंदर आ जा। लेकिन एक बात बता, मेरा नाम कैसे जानता है तू? अरे मुझे स्कॉर्पियो ने भेजा है, उसने कहा था कि स्टीफन के पास जाना और बता देना कि स्कॉर्पियो ने भेजा है। अरे स्कॉर्पियो बॉस, तो तुझे जरूर रैंपेज के पास ही जाना होगा बे। हाँ हाँ भाई, मुझे रैंपेज के पास जाना है और वो तलवार हासिल करनी है जिससे कोबरा को खत्म किया जा सकता है। चल तो फिर चल बीड़ू, आजा मेरे पीछे, मैं खुद ब खुद ले चलता हूँ, और देख के चलियो क्योंकि यह इलाका चोरों और लुटेरों का है, कहीं तुम्हें भी लोड न ले। ठीक है भाई चलो, गाड़ी तुम चलाओगे क्या? अबे हाँ बे, रास्ता हमें ही मालूम है ना, चल तो चल। अरे भाई चलो भाई, लेकिन आगे तो पानी है, कहाँ जा रहे हो? अबे पानी में ही तो जाएंगे। अरे भाई यार गाड़ी फंस गई, अब कैसे जाएंगे आगे? अबे बेड़ो यहाँ से आगे तैर कर ही जाना पड़ेगा हमें, तो तैरते हुए आजा। अरे भाई लेकिन हम ऐसे ही गाड़ी में क्यों जा रहे हैं भाई, हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन नहीं है क्या यहाँ पर? अबे है, लेकिन वो सब कुछ सिर्फ वही यूज करता है। और तुझे एक बात कहूँ कि यहाँ कोई भी नहीं आ जा सकता, अगर कोई अदर हेलीकॉप्टर आया तो उसे रैंपेज उड़ा देता है, क्योंकि रैम ने अपनी जादुई शक्ति से यहाँ पर घेरा बनाया है, उसके बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता बेड़ो।
अरे भाई, इसने तो बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी बनाई हुई है भाई। अबे यूं ही तो नहीं रैम्पेज का नाम बजता है पोगेट्री में, और इस सदी का सबसे खतरनाक हथियार भी तो उसी के पास है ना बेड़ो। सही कह रहे हो भाई, लेकिन यहाँ का रास्ता बहुत बेकार है। रास्ता तो ऐसे कही आप है ही नहीं यहाँ के लिए। अबे छोड़ छोड़, देख आ गए हम, यहीं मिलेंगे हमें हमारे बॉस रैम्पेज। अरे कब मिलेंगे तुम्हारे बॉस रैम्पेज यार? आता हूँ। अरे बॉस, अरे बॉस। अबे क्यों चिल्ला रहा है बे? मैंने कहा था ना तुझे कि चिल्लाया मत कर फालतू का, और किसे लेकर आ गया ये तू? अरे ये किसे लेकर आ गया भाई तुम? ये तो कोई बच्चा है बे। अबे चुप, देखो, देखो। चुप, अगर बॉस को गुस्सा आ गया छोड़ेंगे नहीं। अबे बच्चा किसे बोल रहा है तू? तू शायद हमारी शक्तियों से वाकिफ है। अरे इसको देखो बे, इस सारे की हलकत तो देखो बच्चे वाली है। तुम किसके पास लेके आ गए भाई? तुम बोलते रैम्पेज के पास, ये किस एंगल से रैम्पेज लग रहा है भाई? हा, 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 हा। देखना चाहता है मेरा असली रूप तो फिर ठीक है। अरे मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे पता नहीं था कि आप इतने महान और ताकतवर यहाँ के राजा रैम्पेज है। माफ कर दीजिए मुझे। कोई बात नहीं, ये बता कि तू यहाँ आया क्यों है? महाराज मुझे आपकी तलवार चाहिए, मुझे कोबरा को खत्म करना है। खामोश गुस्ताख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी तलवार हमसे छीनने की? महाराज लेकिन कोबरा आपका भी दुश्मन है ना, तो इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। हम दोनों का दुश्मन एक ही है और उसे खात्मा करना हमारा दोनों का ही कर्तव्य है। हाँ ये बात तो सही है, और तुझे मुझे लगता है यहाँ स्कॉर्पियो ने ही भेजा होगा। हाँ उन्होंने ही भेजा है मुझे महाराज, लेकिन ये तलवार देने के लिए आपका शुक्रिया महाराज। अरे कोई ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। या जाओ मेरी तलवार से उसका खात्मा कर देना, ताकि मेरा अगला टारगेट होगा वो बरमूडा। जैसा आप कहें महाराज, निश्चिंत हो जाइए, अब से आपका बरमूडा भी आपसे आपका होगा, पर्गेटरी भी, कलहारी भी, जितने भी मैप आपके होंगे। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है तुम्हारा? मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है? अबे तू ही है ना उस कोबरा का मामा। ऐसे तो वो कोबरा यहाँ आने वाला नहीं है, तुझे पकड़ के लाया हूँ ना, तो वो भी अब देखना कैसे आता है। अबे बोया, तुमने सारी हदें पार कर दी है। तुमने पहले नीतिका को बंदी बनाया और अब मेरे मामा को। अबे तेरे मामा को क्या, मैंने तो साइंटिस्ट को भी खत्म कर दिया है जिसने हमें बनाया था। ये मामा क्या चीज है तेरा? मामा जी आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पिछली बार की तरह आप पर भी कोई यहाँ चाहे, इसलिए आप जाइए। अबे ओए बोया सुन, तूने जो कुछ भी किया ना उसका फल तुझे आज मिलने जा रहा है, क्योंकि आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। काफी दिनों से मेरे हाथों से बचता आ रहा था तू, लेकिन तूने अपनी मौत को स्वयं बुलाया है। अब मरने के लिए तैयार हो जा मेरे हाथों से। अच्छा हमारे इलाके में आकर हमें ही धमकी दे रहा है कोबरा? तुझे शायद पता नहीं है कि मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। अबे तू क्या गन से डरा रहा है क्या मुझे? तू जानता नहीं कि कोबरा इन खिलौनों से नहीं डरता? अच्छा इन खिलौनों से नहीं डरता है ना कोबरा, लेकिन तेरे लिए ऐसा खिलौना लेकर आया हूँ ना जिसे से देखकर तेरी रूह कांप उठेगी वे, तो जानता नहीं है इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। तो फिर दिखा दे कौन सा हथियार लाया है तू इस कोबरा को मारने के लिए। अच्छा देख वे, अब तैयार हो जावे कोबरा, ये ले। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। शैतान की तलवार के सिवाय मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आ गई? अबे इस तलवार को लाने के लिए मुझे काफी दूर जाना पड़ा, लेकिन आज मुझे पता लग गया कि शैतान की तलवार के आगे तुम जैसे अच्छाई के भक्त नहीं रुक सकते हैं। जितना भी अच्छाई का साथ दे लो, लेकिन आखिरकार जीत तो हमारी शैतानों की होगी। मर गया कुत्ता, चलता हूँ भी यहाँ से।
उठो कोबरा, उठो मेरे पुत्र, देखो हम आए हैं, उठ जाओ। अब तुम्हें प्रकाश को और बढ़ाना है, अंधेरे को खत्म करना है।